हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एकदम फिर से शुक्रिया आप सबका, बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें प्यार देने के लिए। आज की जोड़ी लेकर आए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि भाई आपको पता है कि कश्मीर में जो पीएम मोदी है उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू सुनने वाले हैं कश्मीर के लोगों का, जो मतलब लेडीज है उनका सुनने वाला है कि उन्होंने कितनी ज्यादा फ्रीडम जो है अब हासिल कर ली है। पहले उनको इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं थी, उनको डर लगता था रातों को बाहर जाने से, लेकिन अब कुछ भी डर नहीं लगता, बिल्कुल फ्रीली वहां पे घूम सकती हैं। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को देख लेते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, देखते हैं आज की वीडियो। इस सेक्शन 370 पे क्या सोचते हैं आप लोग जो हट गया? ठीक है, बेनिफिट्स हैं हमें भी, लोगों की मेंटेलिटी थी अब वो चेंज हो चुकी है। लोगों को ऐसा लगता था कि इस चीज से हार्मफुल हो सकता है हमारा, बट नहीं, बेनिफिट्स हैं उसके भी हमें। हम सब लोग मोदी जी की फैमिली, इसलिए वो हमारी डेवलपमेंट ही कर रहे हैं और हर चीज में हमें ही बेनिफिट दे रहे हैं, उनका तो कोई बेनिफिट नहीं है। जो डेवलपमेंट मोदी सरकार ने की है उनमें और जो पहले की थी उनमें बहुत डिफरेंस है। अगर उमर फारूक इतना करते तो फिर देखते हम, लेकिन वैसा कुछ हमें दिखा नहीं अभी तक। मोदी सरकार में ही हमें वो चीज़ें दिखी हैं। हमें लग रहा है कि हाँ, अगर हम मोदी सरकार को वोट करेंगे तो वो हमारे लिए भी कुछ करेंगे जैसे वो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे साथ जम्मू और कश्मीर का जो एक इलाका है राजौरी, जिसके पीछे की पहाड़ी आप देख रहे होंगे, पीर पंजाल की ये पहाड़ियाँ हैं, वहाँ की कुछ बच्चियाँ हैं, उनसे जानेंगे कि वो जो लोकसभा चुनाव है उसके ऊपर क्या सोचते हैं और उनका जीवन यहाँ पे किस तरीके का है। यहाँ कश्मीर की कुछ फैमिलीज़ हैं, मतलब जम्मू कश्मीर की फैमिलीज़ हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद सईद। क्या लग रहा है इन लोगों की फैमिली के ऊपर, लोगों का ट्रस्ट है अब चुनावों के लिए, क्योंकि तुरंत ही चुनाव आने वाले हैं लोकसभा? नहीं, जितना मोदी जी ने हमारे लिए किया है और जितना 2014 से लेकर अभी 2024 तक वो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ट्रस्ट होना चाहिए। मोदी जी पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें की इन सब सालों में, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, तो उन पे ही ट्रस्ट होना चाहिए। आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे का संवाद अपने आसपास में दोस्तों से, शिक्षकों से होता है। एक और चीज़ कही जाती है कि मोदी डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं, क्या लगता है? नहीं, डिक्टेटर होते तो हम लोग इतना फ्रीली बोल ना सकते कैमरा के सामने, जितना फ्रीली हम बोल रहे हैं और जो सब चीज़ें हम आपको बता रहे हैं हम वो बोल ना सकते। डिक्टेटरशिप अगर होती, डेमोक्रेट है इसलिए हम कैमरा के सामने इतना फ्रीली बोल पा रहे हैं। बात तो आपकी सही है। अच्छा, एक और आरोप लगाते हैं कि मोदी परिवारवाद के खिलाफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका परिवार नहीं है, फैमिली नहीं है, और तर्क ये देते हैं कि वो फैमिली वालों का दुख नहीं समझते हैं। नहीं, उनकी फैमिली तो हम लोग हैं ना। क्या बात, हम लोग, हम सब लोग मोदी जी की फैमिली, इसलिए वो हमारी डेवलपमेंट ही कर रहे हैं और हर चीज में हमें ही बेनिफिट दे रहे हैं, उनका तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपको लगता है मोदी की फैमिली है? हाँ जी, हम सब हैं। क्यों? बस क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए करता है, वही सब चीज़ें मोदी जी भी हमारे लिए कर रहे हैं। जैसे पेरेंट अपने बच्चे को बचपन से लेकर एंड तक साथ में रहता है और उसी की खुशी देखता है, वैसे ही मोदी जी हमारे लिए कर रहे हैं और वो हमारी खुशी देख रहे हैं। एक दौर होता था जब हमने सुना था कि जम्मू कश्मीर में फतवे निकलते थे कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए मत भेजिए, और नहीं, कभी नहीं हुआ था जम्मू कश्मीर में, कभी हुआ था, नहीं हुआ था ये? नहीं, हम जब कश्मीर में गए थे तो वहाँ के कुछ लड़कियों ने बताया, कश्मीर तो मैं तो जम्मू कश्मीर की बात करूँगा ना सर, पर कश्मीर में तो हुआ होता होगा क्योंकि अभी मिलिटेंसी भी थी और अभी लोगों की लड़कियों को लेके सोच काफ़ी हद तक बदल चुकी है, क्योंकि पहले लड़कियाँ इतना खुल के, अगर पहले जैसी सोच होती तो मैं कैमरा के सामने बोल ना पाती इतना सब चीज़। नहीं, इसके लिए तो आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत जो है ना वो बधाई के पात्र हैं। कुछ चेंजेस वगैरह नज़र आया अपने इलाके में? बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे पहले स्कूल इतने मॉडिफाई नहीं थे, अब स्कूल मॉडिफाई हैं। पहले हमें ST नहीं मिला था, सबसे जो बड़ी और मेन चीज़ हमें ST मिल गया अब, जिसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो लोग पहले, जिनके पास ST था वो लोग बेनिफिट्स उठा रहे थे, पर हम लोग वो बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे थे, अब हमारे पास भी वो चीज़ है। क्या करना चाहते हैं आप? मेडिकल की स्टूडेंट, डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, डॉक्टर ही बनना है। कॉलेज वगैरह खोले मोदी जी ने कुछ? हाँ, मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें करी, कई सारे स्कूल, ज़्यादातर फैसिलिटीज़ हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, ज़्यादातर उनके लिए तो ठीक है, जो गरीब, ज़्यादा गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो इतने ज़्यादा मॉडिफाई नहीं थे, अब वो मॉडिफाई हैं, क्योंकि लोग पहली उनकी प्रेफरेंस प्राइवेट स्कूल्स ही होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी पढ़ाई नहीं होती थी। अब वो सब भी चीज़ें जो लोग नहीं जाना चाहते थे अब वो भी जाते हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे बन चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल्स भी। आप प्राइवेट में, गवर्नमेंट में? मैं प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, आपके कुछ दोस्त वगैरह होंगे गवर्नमेंट में? दोस्त नहीं है, बट नेबर्स। तो आप देखने गई कभी, मतलब, या उन्होंने बताया ऐसा? देखते रहते हैं हम लोग आगे पीछे जब जाते हैं, हम देखते रहते हैं और वो बताते भी हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं
जो पहले नहीं थी और अब हैं वो चीज़ें। मेडिकल करना है आपको, मोदी जी ने कोई मेडिकल कॉलेज खोला है या नहीं खोला? हाँ बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, एक पहली यहीं पे एग्जांपल, इतनी बड़ी क्या बात है, वाह जी वाह। कौन सा कॉलेज है बताइए इसके बारे में? जीएमसी। अच्छा, जीएमसी रजौरी। अच्छा, तो यहाँ पढ़ाई होती है? हाँ, एमबीबीएस। ओ क्या बात है, एमबीबीएस। हाँ जी। आपके घर से मतलब सीधा चलते 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 बहुत पास हो गया? पहले तो ऐसा नहीं था, अब तो बहुत पास हो गया मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी। मोदी डेवलपमेंट नहीं करते हैं, वो सिर्फ रिलीजन की पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसा जो विपक्ष है लगातार आरोप लगाता है। ऐसा नहीं है, रिलीजन कहीं पे भी ऐसा मैंने देखा नहीं है कि रिलीजन बीच में आए, वो तो सबको इक्वल ही देखते हैं। और बहुत सारी फैसिलिटीज किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल जीवन मिशन से, और कई सारे लोग जिनके पास घर नहीं है उन्होंने ऐसा तो नहीं देखा है कि कौन सा लोग, कौन से लोग हिंदू है या कौन से मुस्लिम है, उन्होंने तो सबको ही प्रोवाइड करा ना और सबको ही पानी दिया है। ऐसा नहीं है कि हिंदू को ज्यादा दिए और मुस्लिम को कम दिए, सबको ही दिए। और जो एसटी है अब वो भी मुस्लिम लोगों के लिए भी है और हिंदू लोगों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए भी है एसटी, जिसके बेनिफिट दोनों लोग उठाएंगे। अच्छा, इस सेक्शन 370 पे क्या सोचते हैं आप लोग जो हट गया? ठीक है, बेनिफिट्स हैं हमें भी, लोगों की मेंटेलिटी थी अब वो चेंज हो चुकी है। लोगों को ऐसा लगता था कि इस चीज से हार्मफुल हो सकता है हमारा, बट नहीं, बेनिफिट्स हैं उसके, बहुत ज्यादा उनको फायदा, डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी। सड़कें वगैरह जो मैं ये देख रहा हूँ, ये अभी बनी है या पहले से हैं? अभी नहीं, पहले भी थी, बट एज कम्पेयर टू पहले अब का ज्यादा सही है। हाँ जी, हाँ जी, अपग्रेड हो गए सब। अब तो जम्मू वगैरह जाते होंगे, क्या लग रहा है उस मतलब कि डेवलपमेंट हो रही है उस साइड? हाँ, ऐसा ना कि पहले सिटी में जैसी जो माहौल सिटी में था, अब गांव में भी वैसा ही माहौल धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। विलेजेस में लोग जाते नहीं थे और ऐसा था नहीं वैसा सिटी वाला माहौल, पर अब वैसा ही विलेज में भी हुए जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वो शहर है या गाँव है? ये गाँव है। गाँव है, गाँव में मेडिकल कॉलेज है। हाँ जी, अब देख सकते हैं हम, क्या ही होता है, आप लोग आए और आप लोग देख सकते हैं। मैंने बताया ना मुँह से, तो मेरे को गोदी मीडिया कह देंगे तुरंत ही। नहीं, कैमरा तो सब देख रहे हैं ना, कैमरा तो कुछ झूठ नहीं बोलेगा ना, वो तो सब देख रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मोदी जी भी झूठ बोलते हैं और आजकल मीडिया भी उनके पीछे पीछे झूठ बोलता है। हाँ, वो कुछ जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ कुछ हेटर्स तो होंगे ही ना। तो लोग पता नहीं लोगों की क्या मेंटेलिटी है कि डेवलपमेंट को भी वो लोग गलत सोच रहे हैं, कि डेवलपमेंट हो रही है फिर भी वो लोग गलत ही क्यों सोच रहे हैं, वो लोगों की मेंटेलिटी है, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली चेंज होना चाहिए, मोदी जी लगभग चेंज कर चुके हैं, अब आगे भी करते रहेंगे चेंज। जब मोदी जी जो है वो अभी एक रिजर्वेशन लेके आए थे फीमेल्स के लिए पार्लियामेंट में 33% का, उसके बारे में क्या सोचते हो आप लोग? होना चाहिए, क्योंकि लोग फीमेल्स को इतनी प्रायोरिटी देते नहीं है, जैसा फीमेल्स भी मेन के बराबर, मेल और फीमेल में तो आजकल मेरे को ऐसा डिफरेंस तो करना नहीं चाहिए, इक्वल ही है सब। अब हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बड़ा किया है, हमारे भाई या हम में से कोई डिफरेंस तो करा नहीं है, हम सबको भी इक्वल ही देखा है, तो वैसे ही होना चाहिए था। महिलाओं को प्रमोट कर रही है मोदी सरकार? हाँ बिल्कुल कर रही है, अगर मैं वही तो कह रही हूँ, अगर प्रमोट ना करती तो मैं कैमरा के सामने खड़े होकर बोल ना पाती ये सब। बहुत बढ़िया बात है, आप बात करेंगे? क्या नाम है आपका? उज्मा मुख्तार। हाँ, तो उज्मा जी, आप क्या सहमत हैं इनसे, इनके तर्कों से, क्या लग रहा है मोदी जी ने महिलाओं के लिए कुछ किया है? हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें की है उन्होंने औरतों के लिए, वुमेन डेवलपमेंट जो पहले था एज कम्पेयर टू उनके आने से पहले जो था और अब जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमें रिजर्वेशंस बहुत ज़्यादा मिली हैं और नर्सिंग डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा ओपन हुए हैं, जिसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है मोदी सरकार की तरफ से, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी वजह से पहले गाँव में इतनी लड़कियों को इजाज़त नहीं थी कि वो जा कर के पढ़े आगे बढ़े, लेकिन अब हर एक गांव में हर एक घर से जो बेटी है वो अब पढ़ने के लिए जाती है। उनके लिए सुविधाएं बनाई कुछ? जी बिल्कुल, सुविधाएं बनाई। जैसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें टॉयलेट फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं होती थी, एक प्राइवेसी नहीं होती थी एक लड़की के लिए, लेकिन अब वो सारी चीजें वहाँ पे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वुमेन हाइजीनिक के रिलेटेड है, वो भी उन्होंने वहाँ पे प्रमोट की है। सैनिटरी लेकर के, जैसे सैनिटरी नैपकिन जो है वो भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। जैसे बहुत सारे अर्बन एरियाज में जहाँ पे औरतों को इतनी नॉलेज नहीं थी, वहाँ पे भी उन्होंने वो चीजें मतलब पास की है, वहाँ पे भी लोगों के द्वारा उनको पहुँचाई गई है कि उनको इतनी नॉलेज मिले ताकि वो भी उसे इस्तेमाल करे और इंडिया जो है एक डेवलप कंट्री बन सके। आपको याद है एक बार प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से इस चीज़ का जिक्र किया था, तब लोगों ने बड़ा मजाक बनाया था इसका,
क्या सोचते हैं आप? इस चीज़ का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने ये चीज़ देखी है, जो बहुत सारे लोग हैं इन चीज़ों को ना थोड़ा गलत तरीके से लेते हैं। वो समझते हैं कि अरे इस चीज़ की बात ओपनली नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि हर एक इंसान को इस चीज़ के रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मोदी सरकार भी कर रही है, आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा, जैसे मीडिया है उसके थ्रू, टीवी के थ्रू बहुत सारी जो है एजुकेशन लोगों तक पहुँचा रही है, औरतों के द्वारा, मतलब औरतों के रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड हर एक चीज़ जो है, हर एक नॉलेज जो है आज की जनरेशन के पास होनी चाहिए, जिससे फ्यूचर जनरेशन बेटर होगी। तो वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, क्या करती हैं? मैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। ये अच्छा हुआ, एक फोर्थ क्लास की बच्ची थी ना वो, चौथी क्लास की बच्ची से हमने बात करनी शुरू की और बीएससी नर्सिंग तक के बच्चे से बात कर रहे हैं। आपको अपने गाँव में, अपने आस पास में क्या परिवर्तन नज़र आया मोदी सरकार के आने के बाद और पहले में? क्योंकि आप इन सब में सबसे बड़ी हैं, तो आपकी सबसे ज़्यादा बुद्धि खुली होगी, हम मान रहे हैं। जी, पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, वुमेन सेफ्टी इतनी अच्छी नहीं थी। हम मतलब पहले जब घर से ज़्यादा देर बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि वुमेन इनसिक्योर थी। लेकिन जैसे जैसे मोदी सरकार डेवलप हो रही है और इंडिया को डेवलप कर रही है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं। और जो सबसे ज़्यादा मैंने चीज़ देखी है वो है रोड, सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था बचपन से ही, मैं लोकल ट्रैवल कर रही हूँ, तो वो चीज़ मैंने देखी है। पहले जो सड़कें थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हर दिन स्ट्रगल होता था और एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट है, सड़कें बिल्कुल साफ़ हैं, तो अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या लग रहा है इस बार मोदी ईवीएम हैक करेंगे या दिल जीतेंगे? मुझे लगता है कि दिल जीतेंगे। दिल जीतेंगे जी, उन्होंने ऑलरेडी दिल जीत लिया पूरे हिंदुस्तान का। कैसे? उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे सब्सिडीज़ दी हैं, सिलेंडर हर एक घर तक पहुंचाया है, जो चूल्हा है वो उन्होंने, पहले जैसे मिट्टी के चूल्हे इस्तेमाल करते थे उससे बहुत ज़्यादा बीमारी होती थी, और अब उसकी जगह पे उन्होंने एडवांस चूल्हे जो है वो घर पे प्रोवाइड किए हैं, सिलेंडर प्रोवाइड किए हैं, वाटर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड हो रही है। जो बिजली थी वो बहुत सारे गाँव में तक अभी तक नहीं पहुँची थी, लेकिन वो अब पहुँच। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा हमें कैसा लगा आपको, कश्मीर के जो लोग, इधर देखें, कश्मीर के जो लोग थे ना, उन्होंने बताया है, लड़कियां जो है उन्होंने बताया कि भाई कितना ज्यादा उन्होंने मतलब डेवलपमेंट हमारे एरिया में किया। सबसे मेन चीज होती है जब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए उसकी वहां पे जो सड़कें आती हैं ना, अम्मी टूटी फूटी अब सही हो गई। हाँ, उन्होंने कहा है कि अब सरकार के आने से हमारे जो है ना मतलब सड़कें बन चुकी हैं। और भाई एक विलेज है था ये कश्मीर का, तो कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी होना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ पे एक भी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बस गवर्नमेंट का है, वो भी मतलब आप वहाँ पे आम तलीम हासिल कर सकते हैं, होता है ना MBBS या फिर ये कोई फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए आपको दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो उन्होंने अब विलेज वगैरह में हमें ये बना दिया, तो आप सोचे कि शहरों में जो जम्मू कश्मीर है वहां पे उन्होंने क्या बनाया होगा। बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। उन्होंने बताया कि भाई फीमेल्स पहले डरती को दूर जाना पड़े, उन्होंने बताया कि पहले फीमेल्स डरती थी बाहर निकलने से। फीमेल जो है वो हर चीज में, वो बोलती मैं अगर तब का अब होता ना तो मैं कैमरे के सामने आके बोल नहीं सकती थी, तो अभी इतनी उन्होंने हिम्मत मुझे दी है कि मैं कैमरे के सामने आके अपनी आवाज बुलंद कर सकती हूँ, मुझे कोई रोकथाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान बोलता मुसलमानों पे, तो कश्मीरियों पे जो है ना जुल्म की धा की हुई है, वहां पे खून की नदियां बह रही है, वहां पे जो लोग है ना वहां पे जिंदगी उनकी अम्मी अजीरन की हुई है। सुना ही होगा ना आपने भी, आप भी सुनती है न्यूज हर डेली, मेरी अम्मी तो न्यूज सुनती है। क्या आपको बताते हैं, बताए ना, कहते हैं कुछ बहुत जुल्म होता है, जुलूस निकलते हैं, पत्थर मारते हैं। हाँ, तो अब क्या है, अब बताए ना, देख रही है तो आप। हाँ, उन्होंने बताया मैं तो बहुत अच्छे लोग है, मोदी जी ने सब कुछ अच्छा कर दिया। हाँ, वहाँ पे जो है सबका अच्छा, वो बोलता है कि पहले हमें पत्थरबाजी होती थी, पहले जो थे इनके यंगस्टर्स जो बचे थे ना वो पत्थरबाजी करते थे, लेकिन अब जो है ना पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, अब वो पढ़ाए उनके हाथों में, अब कल मैं दे दी गई, अब वो पढ़ाई लिखाई की तरफ जानिब जा रहे हैं। और लड़कियों के लिए भी उन्होंने बहुत ज्यादा भी काम किया है, ताकि क्योंकि नारी शक्ति का उन्होंने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां जो पहले नहीं पढ़ती थी लेकिन अब जो है ना वो बेटियों के लिए उन्होंने अलग से स्कीमें की हुई हैं, कि ताकि लड़कियां जो है ना बढ़ चढ़कर अपनी पढ़ाई में हिस्सा ले सके और बढ़ चढ़कर जो है ना पढ़ लिखकर कुछ अपने कंट्री के लिए, क्योंकि मर्द और औरत में अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया, दोनों सेम बराबर ही हैं। तो ये अब कश्मीरी जो बेटियां हैं उनको भी इस चीज़ का
मतलब आजादी मिल गई है, आजादी मिल गया। तो ये चीज देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, और हमारे पाकिस्तान के लोगों को भी दिखाना चाहिए ये वीडियो, ताकि वो भी ये सोच उनकी भी चेंज हो कि भाई कश्मीरियों पे जुल्म नहीं हो रहा बल्कि वो तरक्की कर रहे हैं। तो यही थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी बताना, और कश्मीर से कौन हमें देख रहा है वो भी बताना। फिर आपको मिलता है कौन भी।